युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों का आरोप, शराब में जहर मिलाकर पिलाई। ससुराल में घर जमाई बनकर रह रहे युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक के परिजनों ने शराब में जहर मिलाकर मारने के आरोप लगाया है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार खनिया थाना क्षेत्र के बसाहट गांव का रहने वाला 33 साल का राकेश जाटव 6 महीने से अपने ससुराल धर्मपुरा में अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। उससे पहले मृतक की पत्नी 6 महीने पहले ससुराल में झगड़ा कर अपने मायके चली आई थी। उसके बाद से ही मृतक राकेश जाटव अपने हिस्से की जमीन को बटाई पर रखकर अपने ससुराल में ही घर जमाई बनकर रह रहा था, जहाँ राकेशपुरा गाँव के एक ईंट भट्टे पर मजदूरी भी करने लगा था। राकेश की शादी 10 साल पहले हुई थी। राकेश के एक बच्चा भी है। राकेश के साले दीपक जाटव ने बताया कि उसके जीजा बुधवार की दोपहर ईंट भट्टे से शराब पीकर आए थे, जहां से उसकी बिगड़ती तबीयत को देख डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था। बुधवार रात राकेश ने जिला अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, लेकिन उसकी कभी भी तबीयत नहीं बिगड़ी। बसाहट गांव के रहने वाले मृतक राकेश जाटव के भाई बाबूलाल जाटव ने बताया कि उसका भाई आए दिन शराब पीता था। जिला अस्पताल चौकी पुलिस ने राकेश जाटव की मौत के बाद राकेश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मर्ग कायम कर जांच के लिए मामला खनिया थाना पुलिस थाने पहुंचा दिया है। कमल सिंह सर, आपके भाई खत्म हुए, कैसे क्या घटनाक्रम था? सर हमें कोई पता नहीं, 6 माह से घर से निकल गए, ससुराल में रहते थे, हमें कोई पता नहीं सर। तो कहाँ पे मिली इनकी बॉडी वगैरह? क्या हमें कुछ नहीं मिला, हमें तो इस साले साहब ने फोन लगाया रात के 2 बजे, फिर बोला कि सर तुम्हारे भाई की तबीयत खराब है, ऑक्सीजन में लगे, तुम जल्दी आओ। हमारे तब तक जो बोल रहे खत्म हो गए, हमें ये भी पता नहीं कैसे खत्म होगा, कैसे किसी ने मारपीट किया या जहर दिया, हमें जो कोई मालूम नहीं सर। 6-7 महीने पहले क्यों चले गए थे आपके? 6-7 महीने सर बासक बेच चले जाते थे, खेत अपनी खेती ठेका में लेके, वो बीवी वगैरह के चक्कर में भाई भी परेशान होते, दोनों का आपस में झगड़ा होता था। किस बात को लेकर झगड़ा होता था सर? जे मालूम नहीं पति पत्नी में झगड़ा, तो ससुराल रहने चले गए थे, वही उनकी बीवी चली गई जो हमारी भाभी, वहीं से 8-10 दिन में भी चले गए, वहीं पे घुमा पा रहे थे, वहीं पे रहते थे। शादी को कितने साल हो गए? शादी को हो गए 10 साल सर। हमने सोचा क्या हो सर, जब दोनों पति पत्नी रह रहा तो हमने बने रहा, तो हमने कोई खोज नहीं किया, 6 माह से रह रहा तो अच्छा रहेंगे। हमें तो आखिरी में रात में 2 बजे फोन आया, तब हमें ये पता चला सर, नेक और संजा के भी लगा देते कि तबीयत खराब, तो हम लोग आके तो रिपोर्ट वगैरह इसकी दर्ज कराई है आपने थाने पे? थाने पे सर अभी नहीं कराए, भाई वगैरह अभी नहीं कराए, कराने वाले हो इसकी? हाँ कराएंगे सर, ये तो जानकारी लेना पड़ेगी, किसने मारा, किसने मारा है या जहर दिया, कोई क्या किया। दीपक, कहाँ रहते हो? धर्मपुरा। ये खत्म हुए हैं, वो कौन है आपके? वे हमारे जीजा जी। कैसे क्या हुआ था? वो कल नाइट नहीं परसों की नाइट को आए थे, तो देवेंद्र जाटव जी के पूरा काम करते थे, और वहीं से आए थे 12-1 बजे के टाइम पर, तो उधर से पी के आए थे, वहाँ पे हमारे घर पे सो गए। सुबह हमने देखा तो हालत थोड़ी ख़राब थी, फिर हमने 108 लगाया, फिर खनिया थाना हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, वहाँ से रेफर किया है सी पी आगे। तो कैसे क्या मौत हुई इनकी, कुछ जानकारी लगी क्या? क्या अभी तो कोई जानकारी नहीं, तो बताएंगे। ये अपने घर से ससुराल क्यों भाग के आए थे? ये ससुराल ये खुद भाग के वैसे आए थे, ये वहाँ पे रहना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये खेत पर खेती मेती तो इनने दे दी थी ठेका से, तो वहाँ पे क्या करते, इसलिए ये इधर ससुराल आए, और ये पुरा में काम करते थे, उधर ही रहते थे। क्या काम करते थे? गुम्मा का काम करते थे। तो वो आपकी बहन भी ससुराल में रहना नहीं चाह रही थी, ऐसा भी आरोप लगे हैं। हाँ। तो क्यों नहीं रहना चाह रही थी ससुराल में? नहीं, ससुराल में तो सर रहना चाह रही थी वो, पर वो खुद लेके इधर आ जाती थी। क्यों? क्यों पता नहीं सर, कुछ तो कारण होगा ना। कुछ कारण ये था कि वहाँ पे क्या करती थी, फिर खेती मेती तो इन्हें ठेका में रख दी थी, तो वहाँ पे क्या कोई काम धंधा नहीं था? क्या था काम धंधा नहीं है था? काम धंधा होता तो उधर ही नहीं करते। शादी को कितने साल हो गए? शादी को हो गए मुझे कितने साल हो गए, 10-12 साल की समथिंग 10 साल हो गए। आप लोगों को सूचना कैसे लगी कि भाई मृत हो गया? किसने देखा? जी मेरा तो भी। कौन ने देखा था आपके जीजा जी को कि खत्म हो गए? मैं खुद लेके आया था यहाँ। आप घर ही थे उनके घर पे? इनकी इनके जीजा जी के घर पे? जीजा जी इनके पास थे? नहीं नहीं, जीजा जी हम उधर से आए थे 12-1 बजे। कहाँ से? देव